आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश को कैसे आज़ाद कराया। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसके 50वें स्वतंत्रता दिवस पर मुंबई कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार देने वाली देश की आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद किया गया। इस मौके पर भारत पाक युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने वाले सेना के अधिकारियों ने अपने अनुभव श्रोताओं को बताए। 64 में बनाया और महाराष्ट्र चैप्टर के कर्नल साहब इंडिया एक्सेलेंस लीग के प्रेसिडेंट हैं। बाबू भाई बहुत बढ़िया आप संचालन कर रहे हैं और हमारे छोटे भाई सज्जाद यूसुफ साहब, बहनों भाइयों और नौजवान साथियों, जिस बात के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ उस बात को तो निजामुद्दीन साहब आपने बता ही दिया। आपने इतना गहराई में बता दिया कि मुझे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और अच्छा है आपने बता दिया क्योंकि आप लोगों के पास समय भी कम है। मुझे बोला गया है कि 12:30 तक मुझे खत्म कर लेना चाहिए। 12:30 अभी है, आधा घंटा बहुत ही बड़े आराम से मैं बोलूंगा। तो अपने गांव के पास चिंगाव के पास उनका गांव था और ये जहाज इसके ऊपर जो है वो हवाई जहाज चलते, बहुत बड़ा जहाज था। पहले तो अटक गया, 8 कांटों का वो लिफ्ट होता है, हवाई जहाज पेट से निकालता है बाहर जहाज के पोर्ट से, और एक दांत कुछ अटक गया तो बैठ गए वहां पर, टक्कर कर गया, 7 दांतों के साथ हवाई जहाज ऊपर आ गए। फिर हवाई जहाज चिंगाव की तरफ ना जाए, पूरा 180 डिग्री जो वहां उस समय कृष्ण सर वगैरह थे, 180 डिग्री वो तो इंजीनियरिंग साइड के थे ना, हवाई जहाज के ना, कोई बोले साइड के 180 डिग्री घुमा दिया और उल्टी साइड से हवाई जहाज लेके चिंगाव बाहर रखी। जो धुलाई की वो तारीख है उसमें आगे पीछे जाने की, उस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन सारे नतीजे सामने हैं। मीडिया के गलत प्रोपेगेंडे की वजह से देश में किस तरह की चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है, शर्मनाक है। इंदिरा जी का दौर रहा हो, राजीव जी का दौर रहा हो, मनमोहन सिंह जी का दौर रहा हो, सच बात कहने से कांग्रेस का लीडर कभी चूका नहीं। अगर उसका लीडर खुद किसी अपराध में लिपता तो जेल भेजने का काम हमारी सरकारों ने किया। इनकी तरह आज जो मशहूर है कि अगर आपने अपराध कर लिया बीजेपी में चले जाइए तो आपका अपराध खत्म हो जाता। आज ये शर्म की बात, जिस तरह से लोगों को हैरान करने का काम सरकार कर रही है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर इंडियन एक्स सर्विस लीग के लेफ्टिनेंट कर्नल सीजे रानाडे, सूबेदार तुकाराम सूरवंशी, कैप्टन प्रवीण डावर जो अखिल भारतीय कांग्रेस एक्स सर्विसमैन सेल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि उस समय अमेरिका की जोर जबरदस्ती को खुलेआम चुनौती देते हुए इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका का भी सामना किया था। इस अवसर पर वक्ताओं ने यह भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के तत्कालीन शासक यहिया खां की सेना ने भारत के पश्चिमी इलाके में बमबारी की थी और बांग्लादेश के स्थानीय लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। भारत ने उस समय ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए पाकिस्तान के करीब 1,00,000 सेना को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक कदम की वजह से उन्हें आयरन लेडी के तौर पर याद किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेसी नेता शहजाद अब्राहनी ने किया था, जिसमें मुंबई कांग्रेस के नेता निजामुद्दीन रायन, मुंबई कांग्रेस के रोजगार एवं स्वरोजगार विभाग के महासचिव डॉक्टर सत्तार खान, MRCC SC सेल के उपाध्यक्ष शाहिर भिकाजी भोसले, PCC सदस्य विनोद जैन और मुश्ताक पत्रावाला मौजूद थे। डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।